तुर्स्क में कूदा नेटो, रूस से सीधी जंग शुरू। क्या अब हारते हाफते और कराहते यूक्रेनी सेना को बचाने के लिए नेटो के लड़ाके तुर्स्क में रूसी सेना से जंग करने को मजबूर हो गए? पहले आप कुर्स्क में पकड़े गए नेटो के इन लड़ाकों के चेहरों को गौर से देखिए, जिन्हें पुतिन के बेहद वफादार चेचन लड़ाकों ने पकड़ा है। फिर हम आपको बताएंगे कि कुर्स्क में नेटो जंग में क्यों उतरा है और क्यों पुतिन कह रहे हैं कि अब नेटो देशों पर सीधा हमला बहुत जल्द होने जा रहा है। पुतिन का आदेश, नेटो से सीधा युद्ध। 6 अगस्त 2024 को रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। नेटो के टॉप कमांडर्स तक यूक्रेनी सेना की जमकर तारीफ कर रहे थे। उस वक्त ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि उन्होंने रूस के कुर्स्क में लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही रूस ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर चौतरफा पलटवार किए, यूक्रेनी सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग खड़े हुए। हालात ये हो गए कि महज 6 हफ्ते के अंदर ही यूक्रेनी सेना न सिर्फ कुर्स्क में बुरी तरह से घिर गई, बल्कि यूक्रेन के पोक्रोस्क शहर के बेहद पास तक रूसी सेना पहुंच गई। ऐसे हालात में नेटो ने अचानक जंग में अपने ऐसे लड़ाकों को उतार दिया जिनका रिकॉर्ड मिलना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब चेचन लड़ाकों की अकमत स्पेशल फोर्स ने ऐसा धमाका किया है कि नेटो के होश उड़ गए। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें अकमत स्पेशल फोर्स के चेचन कमांडर अबिस यारुनुश अलाउद्दीनोव ने बहुत बड़ा दावा किया है। अलाउद्दीनोव का दावा है कि इस वक्त कुर्स्क में रूसी सेना पर नेटो की गुप्त फौज हमला कर रही है। अलाउद्दीनोव ने एक वीडियो में यह साबित करने की कोशिश की है कि कुर्स्क में सैकड़ों नेटो के भाड़े के सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई नेटो लड़ाकों को चेचन लड़ाकों ने पकड़ लिया है। चेचन कमांडर अलाउद्दीनोव ने यह भी दावा किया है कि ज़ेलेंस्की पूरी तरह से नेटो की एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। These are the same people who were supposed to march straight to Moscow. How long have you been at the front with us? It turns out I was in training for 35 days. You were mobilized, right? Yes, yes. Which month? In early summer, it was the guys from the draft office who took us. They've realized the truth now. They don't have any other options because even if they wanted to retreat, there are barriers behind them that would shoot them if they tried to turn back. राष्ट्रपति पुतिन पहले से ही चेचेनिया रिपब्लिक के चीफ रमजान कादिरव को निर्देश दे चुके हैं कि यूक्रेनी इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर डालो। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के डबल अटैक को यूक्रेनी सेना और नेटो के लड़ाके झेल नहीं पा रहे हैं। इधर पुतिन ने कुर्स्क से लेकर पोक्रोस्क तक एक के बाद एक इलाकों को जीतना और आजाद कराना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन डीसी थिंक टैंक ने दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्कोबाल्स्क में काफी बढ़त बना ली थी, लेकिन रूसी सेना ने 15 सितंबर तक फिर से यूक्रेन से अपने इलाके छीन लिए। रूसी सेना इतनी जल्दी यूक्रेनी सेना को कैसे हरा पाई है, इसके पीछे की वजह खुद जाने अनजाने में ज़ेलेंस्की बता चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पिछले हफ्ते लगभग 35,000 रूसी सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमला किया है। ये संख्या कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के मुकाबले 2 गुनी है। इधर अमेरिका ने अनुमान लगाया है कि रूस को कुर्स्क को पूरी तरह से जीतने के लिए 20 ब्रिगेड और 50,000 सैनिकों की जरूरत होगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस को पहले ही पता चल चुका है कि रूस के खिलाफ नेटो के सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, इसलिए पुतिन ने विनाशक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है।
हम आपको कुछ वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें रूसी सेना ने ऐसे जब्त घातक हथियारों को दिखाया है जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नेटो देशों के हैं। जरा ये वीडियो देखिए। दक्षिणी रूस के रोस्तोव ऑन डॉन में 14 सितंबर को यूक्रेन और नेटो देशों के जब्त हथियारों को जनता के सामने रखा गया। इन हथियारों में टैंक, तोप, मशीन गन और तरह तरह के भारी हथियार मौजूद थे। यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा पकड़े गए पश्चिमी टैंक और यूक्रेनी सैन्य हार्डवेयर की इस प्रदर्शनी को देखने के लिए रूसी उमड़ पड़े। Мотивация у людей только растет, люди желают, люди готовы защищать свою родину, потому что очень много информации доносится до людей напрямую, поэтому, основываясь на нее, они приходят к нам делать свою родину. दक्षिणी रूस के रोस्तोव ऑन डॉन में जब्त नेटो और यूक्रेन के हथियारों को दिखाकर रूसी जनता को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि रूस कुर्स्क के मोर्चों पर जीत रही है। पुतिन ने एक हफ्ते पहले ही रूसी सेना में नई भर्ती को 1,80,000 से बढ़ाकर 15,00,000 सैनिकों की भर्ती करने का आदेश दे दिया है। पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में सेना भेजने के बाद से तीसरी बार सेना का विस्तार करने का आदेश दे दिया है। क्रेमलिन की वेबसाइट में यहां तक दावा किया गया है कि पुतिन ने रूसी सैनिकों की कुल संख्या 20,38,000 करने का आदेश दे दिया है, जिनमें से 15,00,000 सक्रिय सैनिक हमेशा लड़ने को तैयार रहेंगे। यानी कुर्स्क में नेटो और यूक्रेन को पुतिन पूरी तरह से रौंदने लगे हैं। इधर कमांड सेंटर में टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे पुतिन ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि रूस को बहुत बड़ी और भयानक परमाणु जंग करनी पड़ सकती है। पुतिन ने साफ इशारा कर दिया है कि इस एटमी जंग में नेटो के 32 देशों से सीधा मुकाबला होगा। इस जंग को वही जीतेगा जो सबसे पहले परमाणु मिसाइलों और बमों से हमला करेगा। 934 दिन से चल रही रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के दरवाजे पर विनाशकारी परमाणु युद्ध होने जा रहा है। हम आपको पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाने जा रहे हैं जिसके खौफ से ज़ेलेंस्की का खून सूखना शुरू हो गया है, क्योंकि रूसी सूत्रों का दावा है कि रूस यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी FOAB के सबसे विनाशक हमले करने जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बयानों से इसका इशारा कर दिया गया है। ये स्पष्ट है, अभी तक रूस ने बहुत ही संयम बरता है, लेकिन अब रूस की परमाणु प्रतिक्रिया बहुत बड़ी है। ये फैसला काफी जटिल है जिसे बदला नहीं जा सकता है। कई अहंकारी मंदबुद्धि वाले देश हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रूस के धैर्य की परीक्षा लंबे वक्त तक नहीं ली जा सकती है। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए 2.5 साल से चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। वॉर मैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ज़ेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। इधर नेटो देशों की मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यही तय नहीं कर पाए हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाएं या नहीं। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि अगर नेटो देश लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति रूस के मॉस्को तक दे दें तो हारी बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। बमों के बाप से यूक्रेन पर हमला। जंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का ये वीडियो देखिए जिसमें पूरे रूस को एक बड़ी एटमी जंग के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का हम आपको वो बयान भी दिखाते हैं जिसमें
उन्होंने एक ऐसे बम से हमला करने की बात कही है जिससे पूरा यूक्रेन एक विशाल गड्ढे में बदल जाएगा, या ये कहें कि रूस बमों के बाप के नाम से मशहूर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से यूक्रेन को भाप बनाकर उड़ा देगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन के ऊपर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी FOAB से हमला करने जा रहा है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब किसी परमाणु बम से कम नहीं होता है, इसलिए मेदवेदेव ने यूक्रेन को धमकाते हुए कहा है कि यूक्रेन में जिस जगह पर रूसी शहरों की मां खड़ी थी वहां एक विशाल धब्बा रह जाएगा। यहां ये जानना जरूरी है कि मेदवेदेव रूसी शहरों की जिसे मां कह रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यूक्रेन का कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव को मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज कहा जाता है, यानी रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमों का बाप यानी FOAB बम से हमला करके कीव का वजूद खत्म करने जा रहा है। महज 48 घंटे के अंदर पहले पुतिन ने यूक्रेन और नेटो को एटमी धमकी दी और अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने विनाशकारी हमले की चेतावनी दे दी है। इस धमकी का ही असर है कि जेलेंस्की को अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे नेटो देशों से लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति मिलने की उम्मीद खत्म होती दिख रही है। इधर रूस की ताजा धमकियों से नेटो की हालत खराब है। जरा देखिए रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को क्यों परमाणु बम माना जा रहा है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी FOAB का आधिकारिक नाम ATBIP है। ATBIP यानी एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर है। 7,100 किलोग्राम वजन का ये रूस में बना अब तक का सबसे बड़ा बम है। इसकी विस्फोटक क्षमता 44 टन TNT के बराबर है। FOAB एक थर्मोबैरिक विस्फोटक का इस्तेमाल करता है। हवा में विस्फोट करने की क्षमता के कारण ये विशेष रूप से विनाशक है। रूस के बमवर्षक बेड़े के सभी विमान फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को गिराने के लिए तैयार हैं। हालांकि मेदवेदेव ने नई डिलीवरी वाहनों के उपयोग की बात कही है, जो ये संकेत देता है कि रूस बेहतर डिलीवरी विकल्पों पर विचार कर रहा है। रूस इस बम के लिए RS-28 सरमित जैसे मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ये अंतर महाद्वीपीय मिसाइल 10 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил. Совершенствуется военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи наших границ. अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। एक तरफ कुर्स्क में पुतिन के वफादार चेचन लड़ाके नेटो के लड़ाकों को घेर कर मार रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से हमला करने का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन को क्या नेटो बचा पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है।